ओके चलो शुरू करते हैं। अच्छा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है राइट? ओके यस सर ओके यस सर ओके। क्वेश्चन नंबर वन में मैंने क्या बोला था कि 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 25 डिग्री व्हेन मेजर्ड इन रेडियन। तो कोई भी डिग्री वाला में जो एंगल को अगर मतलब कोई भी एंगल अगर डिग्री में है और उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम सिंपली उसमें क्या करते हैं, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं राइट। तो 25 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे क्या होगा, 25 में सिर्फ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे दिस मच रेडियन राइट, दिस मच रेडियन क्लियर। अभी देखो इधर थोड़ा सा काटा कुटी कर सकते हो, 5 से काटोगे तो ये 5 जा 5 होगा, ये 5 से काटोगे तो कितना होगा, 15 3 5 30 तो 5 पाई बाई 36 रेडियन। ओके देखो ऑप्शन है आपके पास 5 पाई बाई 36 रेडियन। अच्छा रेडियन को हम yes, रेडियन के जगह ऐसे सिंबल भी लिखते हैं, ऐसे सिंबल भी लिखते हैं ठीक है, ऊपर छोटा सा सी, ये आंसर है करेक्ट। ओके नाउ गाइज लिसन, जब एंगल रेडियन में होता है, जब एंगल रेडियन में होता है, एंगल जैसे कि हमारा जो मास कभी केजी में होता है ग्राम में होता है, वैसे एंगल रेडियन में होता है या फिर डिग्री में होता है, एंगल अगर रेडियन में होता है तो उसमें पाई को रिप्लेस नहीं करोगे, याद रहेगा मैं बोला था क्लास पढ़ाते वक्त कि एंगल जब रेडियन में दिया जाता है रेडियन वाले एंगल में पाई को रिप्लेस नहीं किया जाता है। तो इधर 5 पाई बाई 36 लिख के ही आप छोड़ोगे, आप इधर पाई का जगह 3.14 की 22/7 नहीं डालोगे, याद रहेगा। यस सर यस सर यस सर डू नॉट रिप्लेस पाई विथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन रेडियन मेजर ऑफ एंगल, इन रेडियन मेजर ऑफ एंगल। हाँ तो आंसर इज 5 पाई बाई 36, पाई का जगह कुछ नहीं डालना है। ओके गेट इट ओके, सो लेट मी मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, ये हो गया चलो आगे चलते हैं। यस सर ओके ठीक है, लेट मी इरेज इट, बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन रखा है 11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा बेटे देखो रेडियन को हम वार्ड में रेडियन में लिख सकते हैं, देखो बेटे मैं आपको ये बताया था जब पढ़ा रहा था वो बताया था कि कितने चीज, देखो बेटे कि सपोज मैं कहीं पर लिखा हूँ 11 रेडियन, एंगल मेरा 11 रेडियन है, रेडियन में 11 रेडियन है, बी होगा 72 डिग्री। यस उसको मैं चाहूँ तो 11 ऊपर एक छोटा सा सी भी लिख सकता हूँ, वही 11 रेडियन पढ़ा जाएगा। या फिर रिमेंबर डू नॉट फॉरगेट, पढ़ाते वक्त बोला था कि रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में देयर इज नो डिफरेंस, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो एंगल इन 11 रेडियन इज द सेम एज रियल नंबर 11, एंगल रेडियन, एंगल जब रेडियन में होता है और रियल नंबर उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, 11 रेडियन एंड रियल नंबर 11 के बीच में देयर इज नो डिफरेंस एब्सोल्युटली। सपोज मैं कहीं पर लिखा हूं पाई रेडियन, मैं चाहूं तो पाई रेडियन को उससे ऊपर छोटा सी लिख सकता हूं, इनफैक्ट मैं खाली पाई लिख के भी छोड़ सकता हूं, क्यों? यस सर बिकॉज रेडियन एंड रियल नंबर के बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है, तो पाई रेडियन एंड रियल नंबर पाई दे आर द सेम, बस काम खत्म। डिग्री में होता ऐसा नहीं कर पाते, 2 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, रिमेंबर कि वो डिग्री में है, बट 2 रेडियन इज इक्वल टू 2, रियल नंबर एंड रेडियन सेम होते हैं, डिग्री से रेडियन, डिग्री एंड रियल नंबर सेम नहीं होते हैं, गेट इट, याद रहेगा, बस ओके। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट वेरी क्विकली, टेक द स्क्रीनशॉट, डन ओके। तो बेटे ये क्वेश्चन को करते हैं, उसने बोला है कि 11 रेडियन, बेटे जब भी कोई एंगल रेडियन में होता है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करते हैं राइट। तो सिंपली होगा 11 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। अच्छा अब बेटे याद रखो जब एंगल डिग्री में होता है, जब एंगल डिग्री में होता है उसमें जो पाई होता है उसको हम रिप्लेस करेंगे,
रेडियन में पाई को रिप्लेस नहीं किया जाता, लेकिन डिग्री में पाई को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो रिप्लेस पाई विथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इन डिग्री मेजर, इन डिग्री मेजर, तब सिंपली हमें पाई को रिप्लेस करना है। अब देखो पाई उसने नहीं बोला है कि क्या रिप्लेस करके 3.14 लिखो कि 22/7 लिखो, लेकिन आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इधर 11 है, तो 22/7 रिप्लेस करो तो क्या होगा आपका कटेगा। तो अगर मैं पाई को अगर 22/7 करता हूँ तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये तो आपको सिंपली ये स्कूल का डिवीजन, ये तो 11 से कटा, ये तो हो गया 2, इसे कहता है 90 इंटू 7, 9 जाए 7 होता है 63, तो 630 डिग्री। क्लियर? यस सर, बस टेक द स्क्रीनशॉट, डन, ओके ओके। नेक्स्ट में आते हैं 3। अच्छा 3 में बोला है कि व्हील मेक्स 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो कि 1 मिनट समय में 180 रेवोल्यूशन करता है, मतलब 180 बार कंप्लीट घूम जाता है। तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन घूमता है। अच्छा सवाल के हिसाब से वो 1 मिनट में व्हील जो है 1 मिनट में 180 रेवोल्यूशन करता है, 180 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। रेवोल्यूशन करता है मतलब कुछ एंगल घूमता है, तो जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हम करते हैं तो 2π रेडियन एंगल घूमते हैं। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो 2π रेडियन घूमेंगे। तो व्हील 1 मिनट में 180 रेवोल्यूशन करता है, तो 180 इंटू 2π रेडियन इतना एंगल घूमता है, कितना 1 मिनट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सवाल में पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितना रेडियन घूमता है। देखिए 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड में वो 180 इंटू 2π रेडियन घूमता है। अभी 1 सेकंड में यूनिटरी मेथड, सिंपली यूनिटरी मेथड, तो क्या करेंगे 60 डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 6π रेडियन। तो ऑप्शन में ऐसा दिया होगा उसके ऊपर छोटा सा सी, या फिर अगर खाली भी 6π लिखा होता दैट इज द आंसर, बिकॉज रेडियन एंड रियल नंबर दे आर एब्सोल्युटली द सेम, गेट माय पॉइंट, ओके। सो दिस इज द आंसर, टेक द स्क्रीनशॉट, बड़े हो जाएगा। हेलो यस सर, हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड, टेक इट टेक इट टेक इट, डन, लेट मी इरेज इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 25π/3, तो मैं आपको बोला था कि जब एक एंगल बहुत बड़ा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। 25π/3 का साइन ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि 25π/3 को कैसे स्प्लिट किया जाता है। बेटे इसमें जाना पहचाना एंगल है π/3, इसमें जाना पहचाना एंगल क्या है बेटे, π/3। तो आप कोशिश करो कि सम इंटीजर पाए प्लस π/3 या फिर -π/3 ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। दो तरीका है, एक तो आप डिवीजन करके ही पता कर सकते हो, 25 में 3 डिवाइड कर सकते हो, 25 में जब आप 3 डिवाइड करते हो तो 3 जाए 8 24, रिमाइंडर इज 1। तो 25/3 को आप अगर लिखोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कैसे लिखते हो इसको, यस 8 होल 1/3, राइट 8 होल 1/3। तो मैं 25π/3 को अगर स्प्लिट करूंगा तो मैं लिखूंगा 8π + π/3, देखो हो गया कि नहीं, देखो बड़े 8π + π/3, 8 होल 1/3 का मतलब होता है 8 + 1/3 रे बेटे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में स्कूल में पढ़े होगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, अरे गेट इट। तो ये एक तरीका है, पाई बाई थ्री जाना पहचाना एंगल, पाई बाई थ्री जावर जाना पहचाना एंगल, राइट, बस। तो सिंपली मैं इसको क्या लिखूंगा, उसने बोला था कि साइन 25π/3, तो मैं सीधा वो 25π/3 को रिप्लेस करके उसको स्प्लिट करके उधर लिखूंगा साइन 8π + π/3।
अब बात आता है इधर से, फॉर्मूला डायरेक्ट अगर याद रखे हो तो बहुत अच्छा, इनफैक्ट रखे हो क्या, रखना पड़ेगा अगर फॉर्मूला याद रखे हो तो रखना, नहीं रखे हो तो रखो, पहले फॉर्मूला याद रखो तो हो गया, नहीं तो आप इसको सिंपली क्वाड्रेंट मेथड में भी देख के कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है बेटा, मैंने आपको बोला था कि साइन कॉस टैन सबका 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेम साइन थीटा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सबका 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेम साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा कॉसेक थीटा, टैन 2n पाई प्लस थीटा टैन थीटा, बस काम खत्म। 2n पाई का मतलब होता है इवन पाई, 2n है कि इवन इंटीजर है, रिमेंबर 2n इवन इंटीजर 2n पाई। तो इधर आप जैसे कि देख सकते हो 8 पाई इज व्हाट 2n पाई, देख रहे हो इवन पाई लिखा है, तो बस द आंसर इज सेम साइन पाई बाई 3, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है इतना कितना बेटे √3/2। नहीं तो अगर क्वाड्रेंट मेथड लगाओ तो देखो बेटे, आप याद रखो जब आप घूमते हो एंटी क्लॉकवाइज में, इधर 0 रेडियन, घूम 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 के आके 2 पाई रेडियन, घूम के आके 4 पाई रेडियन, घूम के आके 6 पाई रेडियन, ऐसे करके इधर सारे इवन पाई वाले एंगल क्रिएट होते हैं इधर। अगर क्लॉकवाइज में घूम के आओगे तो -2 पाई रेडियन, -4 पाई रेडियन, -6 पाई रेडियन, तो बोलने का ये मतलब है कि इधर सारे के सारे इवन इंटू पाए वो वाले एंगल क्रिएट होते हैं। तो 8 पाई वाला एंगल किधर क्रिएट होगा, इधर ही क्रिएट होगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं उसमें। इवन पाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑड पाए नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो 8 पाई इधर क्रिएट होगा। अब देखो 8 पाई प्लस उसने बोला है, 8 पाई प्लस, 8 पाई प्लस मतलब हम 8 पाई से एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। एंटी क्लॉक वाइज में जाके कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल होता है उसका साइन कॉसेक टैन कॉट सेक कॉस सब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो साइन उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं पहले प्लस लगाया क्योंकि साइन पॉजिटिव है। 8 पाई आपका एक्स एक्सिस पर है, राइट, एक्स पाई एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर 8 पाई है। तो जब जब एक्स एक्सिस पर होता है तो चेंज नहीं करोगे, मतलब साइन वही साइन होके रहेगा। अगर पाई बाई 2 होता है या फिर 3 पाई बाई 2 होता है या फिर 5 पाई बाई 2 सेम पाई बाई 2 होता है तो साइन को आप कॉस कर देते, कॉस को साइन कर देते, टैन को कॉट कर देते, कॉट को टैन कर देते, सेक को कॉसेक कर देते, कॉसेक को सेक कर देते। जब 8 पाई एक्स एक्सिस पर है इसीलिए नो चेंज, वही साइन को साइन रहेगा, फिर क्या पाई बाई 3 करेगा। आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मैं आपको समझाया इसीलिए टाइम लगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद नहीं आएगा तो हम क्वाड्रेंट मेथड में ही सॉल्व कर निकाल के इसको करेंगे। पहले दिखेंगे साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे तय करेंगे क्वाड्रेंट कौन से है। अगर 8 पाई प्लस दे रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 8 पाई माइनस दे रहा था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते क्लॉकवाइज में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और देखेंगे तो अगर वो यस मैं दिखा देता हूँ इधर, सपोज सपोज मैं, अरे सब समझ में आ रहा है, अरे हेलो कि सर उसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है सर। यस यस, तो मैं सपोज आपको देता 23 पाई बाई 3, तो 23 पाई बाई 3 आप इसको कैसे लिखते बेटे, 8 पाई माइनस पाई बाई 3, अरे देख रहे हो 24 माइनस पाई, 8 पाई माइनस पाई बाई 3, क्लियर। अब देखो बेटे क्या करोगे सर, केशवर ऐसे ठीक होगी नहीं, ऐसे वैसे ठीक है, 24 माइनस पाई माइनस 1 23 ऐसे ठीक है। हाँ बेटे क्या करोगे, सुनो सुनो मेरे बात, जो आपका जाना पहचाना एंगल है, इधर जाना पहचाना एंगल इसमें क्या है पाई बाई 3, तो आप क्या करो इसमें आपका पाई बाई 3 ऐड करके देखो माइनस करके देखो होता क्या है। मैं जब इसे पाई बाई 3 माइनस करता हूँ मुझे एक फालतू सा एंगल मिलता है 22 पाई बाई 3, इसको इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, अचर बनाऊंगा क्या इसका। तो एक काम करो इसमें ऐड करके देखो, अगर माइनस करके कुछ नहीं हुआ तो ऐड करके देखो, अगर ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है 24 पाई बाई 3, काट दे के हो जाता है 8 पाई।
बहुत अच्छा, वही तो हमें चाहिए, सम इंटीजर इनटू पाई। तो इसका मतलब 23 पाई बाई 3 का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 पाई माइनस पाई बाई 3, देख रहे हो। बस अब आपको क्या करना है, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर, यस सर। बेटे जो एट पाई नामक जो प्राणी, ये जो 8 पाई नामक प्राणी कहाँ पाया जाता है, इधर पाया जाता है, एंगल 8 पाई इधर पाया जाता है। अभी उसने आपको बोल रखा है कि 8 पाई माइनस, तो 8 पाई से क्लॉकवाइज जाओगे, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉक, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आके आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब एसटीसी रूल बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव हुआ, साइन तो नेगेटिव हुआ, तो मैं पे क्या लगाऊंगा, पहले माइनस, क्या लगाऊंगा, माइनस। अब 8 पाई बेटा एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, तो साइन वही साइन होके रहेगा। फिर क्या बचा, पाई बाई थ्री, खाली पाई बाई थ्री लिखना है इसमें, तो साइन पाई बाई थ्री आपको पता है √3/2, तो ये होगा माइनस। अरे होगा कि नहीं होगा रे? यस सर, यस यस सर। हाँ ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट, डन। यस सर। ओके यस सर। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन है, बहुत इजी सा सवाल है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 5 राइट, यस। उसने बोला है कि इफ सेक एक्स वैल्यू, सेक एक्स अगर है -2, और उसने ये भी दे रखा है कि पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। अभी ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट क्लास में डाला था ऐसे ही सवाल, कि सेक एक्स देता था या फिर कॉस एक्स देता था या फिर कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे रखा था, एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में वो भी दे रखा होगा आपको, बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन डाला गया था। तो बस आपको देखना होगा कि इधर जो आपका एक्स है, वो एक्स जो एंगल है, इधर एंगल एक्स है, वो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है, π/2 3π/2। बेटा देखो पाई इधर होता है, इधर एक घूम के आगे पाई, इधर घूम के आओगे तो 3π/2 राइट, ऐसे 0π/2 π 3π/2 2π 4π आगे चलते। तो बेटे पाई से 3π/2 में अगर के बीच में अगर कोई एंगल होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसका मतलब आवर एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आवर एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सर 4 का आंसर क्या निकला सर? 4 का आंसर क्या निकला सर? 4 का आंसर √3/2 होगा बा, ठीक है सर। यस। तो बेटे देखो आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो एंगल एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्लियर। अभी इधर से बात आता है कि करे तो इसको कैसे करे, तो बेटे इसको करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक है ट्रायंगल में, एक है राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला डाल के कर सकते हो। फिलहाल मैं दोनों आपको बताता हूँ। ओके एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ एंड लिसन। आपको गिवेन है कि सेक एक्स वैल्यू दे रखा है -2 और आपको चाहिए साइन एक्स। तो बेटे देखो मैं आपको पहले आपको फॉर्मूला डाल के बताता हूँ, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना के करूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन जब देता है 1 मार्क का क्वेश्चन, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल वेरी अप्रोप्रिएट होता है, बहुत कम समय में हो जाता है। फॉर्मूला डालने से थोड़ा सा तनिक सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, आप फॉर्मूला डाल के भी करो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल भी के भी करो, इट इज़ योर प्रेरोगेटिव। ओके तो मुझे सेक दिया है, मुझे साइन तक पहुँचना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये भी उसने दे रखा है कि एक्स इज थर्ड क्वाड्रेंट। और बेटा जाहिर सी बात है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका टैन ही पॉजिटिव होगा, एसटीसी रूल,
सॉरी एस टी सी रूल टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, इसलिए देखो सेक एक्स नेगेटिव दे रखा है माइनस टू, तो ये आपको ध्यान देना है। अच्छा तो सेक एक्स से टाइन एक्स कैसे निकाला जाए, देखो बेटे हमें मतलब हम नाक को सीधा पकड़ सकते हैं या फिर नाक को घुमा फिरा के ही पकड़ सकते हैं, तो क्यों ना नाक को सीधा पकड़े। देखो बेटे आपको पता है कि सेक एंड साइन के बीच में एक मीडिएटर है, एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा मीडिएटर है जो कि दोनों का दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, एक ऐसा है जो कि दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है और वो है कॉस एक्स। कैसे, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है या फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये तो पता है। सेक साइन एंड कॉस को लेकर डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो मतलब ये हम ये दोनों के बीच में मीडिएटर की तरह काम करते हैं। गधों की तरह आप अगर क्या करोगे, सेक से टैन निकालोगे, टैन से और कुछ निकालोगे, उससे और कुछ निकालोगे, अरे नहीं मीडिएटर देखो उनके बीच में डायरेक्ट कॉस, बस तो हम क्या करेंगे सेक एक्स उसने दे रखा है तो पहले कॉस एक्स निकाल लेंगे, कॉस एक्स विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स मतलब माइनस वन बाई टू। अब कॉस एक्स से निकालना है साइन एक्स, अब देखो बेटे मैं जैसे निकालना हूँ वैसे निकालोगे, जैसे निकालना हूँ वैसे निकालोगे, कि हमें क्या पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी वन माइनस कॉस एक्स का वैल्यू है माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस एक्स का स्क्वायर, अभी माइनस वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा वन बाई फोर, तो वन माइनस वन बाई फोर हो जाएगा थ्री बाई फोर। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल के आता है थ्री बाई फोर, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल के आता है थ्री बाई फोर, तो साइन एक्स का दो पॉसिबल वैल्यू होते हैं, मैं रफ में बोलता हूं, रफ में साइन एक्स का दो पॉसिबल वैल्यू इधर है, एक है रूट थ्री बाई टू, दूसरा है माइनस रूट थ्री बाई टू, क्योंकि दोनों का स्क्वायर थ्री बाई फोर होता है, हर नंबर हर पॉजिटिव रियल नंबर का दो स्क्वायर रूट निकलेंगे, रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू इधर दोनों का स्क्वायर, लेकिन हमें दे रखा है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होता है तो उसका साइन पक्का नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये जो साइन एक्स का दो पॉसिबल वैल्यू इनमें से कौन सा वैल्यू सही होगा, जो नेगेटिव वैल्यू, तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स इज सिंपली इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। अरे समझ में आया? यस सर। अच्छा अच्छा दूसरा दूसरा अगर आप ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो देखो बेटे फॉर्मूला करेक्टली लगाना सीखो, फॉर्मूला क्या लगाते हो कि लिखते हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको तो पता है ना साइन साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अरे प्लस और माइनस का है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स क्या होगा प्लस और माइनस रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं रे? यस सर। फिर इधर प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये रूट ओवर के आगे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है देख के डिसाइड करेंगे कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये पहले लिखेंगे वी नो दिस बट एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है इस वजह से उसका साइन नेगेटिव होगा, तो देयरफॉर साइन एक्स विल बी इक्वल टू बेटा आगे जो प्लस माइनस लगा है हम खाली माइनस लगाएंगे और रूट ओवर के अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। बेटे अगर रूट ओवर के अंदर खाली वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखे हैं और आगे कुछ नहीं दिए हैं तो याद रखो दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर, ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट का भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, ये मैंने पढ़ा दिया था उस टाइम में, तो आपको ऐसे लिखना होगा, कोई अगर और कुछ लिखोगे पूरा मतलब ये तो वन मार्क, ये वन मार्क है, तो देखो बेटे मैं आपको बता रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग है, अगर यही चीज़ आप एग्जाम में कभी गलत करके रखोगे मैं रिकॉर्डिंग रखूँगा और आपके पेरेंट्स को फॉरवर्ड करूँगा कि देखिए मैं ये पढ़ाया था, अगर आप ये एग्जाम में गलत करोगे तो आई विल फॉरवर्ड दिस वीडियो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ
आप ये गलती नहीं करना चाहिए, एग्जाम में करोगे तो मार कटेगा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ाया था। तो बेटे प्लस और माइनस आप देखोगे कि एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन नेगेटिव होगा, तो आगे लिखूंगा माइनस फिर ये, फिर आगे तो काम खत्म, सहज आसान। वन माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस वन बाई टू, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, वन बाई फोर। अरे समझ रहे हो, बस हेलो, यस सर, बस बोलिए, बस। तो बेटे क्या होगा, माइनस रूट थ्री बाई टू, बस काम खत्म। अगर ये गलती करोगे ना बेटे ऑफलाइन में ना, अगर ये गलती करोगे जब स्कूल खुलेगा तो यू डोंट नो मी, टेक दो स्क्रीनशॉट। हेलो सर, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करूँगा, वेट वेट वेट, राइट एंगल ट्रायंगल, टेक दो स्क्रीनशॉट, डन। अरे डन, ओके टेक इट। हेलो, डन और नॉट? यस सर, ओके मेरे जी। हाँ अच्छा, तो बेटे राइट एंगल ट्रायंगल मेथड क्या है बेटे, सेक एक्स दे रखा है माइनस वन बाई टू, क्लियर, या सॉरी माइनस टू दे, सॉरी सॉरी माइनस टू, सॉरी सॉरी सेक एक्स दे रखा था माइनस टू, और हमें साइन एक्स निकालना है, और हमें क्या पता है कि एक्स इज थर्ड क्वार, एक्स थर्ड क्वार्टर में है, राइट। अब बेटे चुपचाप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, अरे सब सुन रहे हो, हेलो, यस सर, यस सर, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, हाँ ओके okay. देखो बेटे sec x उसने माइनस टू दे रखा है, राइट, sec x उसने माइनस टू दे रखा है, लेकिन जब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो इधर इसको सॉल्व करने के लिए इधर हम x को एक एक्यूट एंगल की तरह ट्रीट करेंगे, इधर एक सपोज एक्यूट एंगल है, और sec x इज इक्वल टू मानो टू दिया है, मानो मानो sec x टू दिया है, मानो sec x टू दिया है। तो बेटे sec x क्या होता है बेटे, h बाई बी क्या होता है, h बाई बी, टू मतलब टू बाई वन, राइट, इसका मतलब आपका जो हाइपर कन्यूस है वो क्या है बेटे, h, h क्या है, हाइपर कन्यूस विच इज टू, राइट, और b क्या होगा, वन, बिकॉज sec थीटा इज इक्वल टू h बाई बी, cos थीटा इज इक्वल b बाई a, sec थीटा इज h बाई, यस सर। तो हम पाइथागोरिया ट्रिपलेट लगा के परपेंडिकुलर का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे क्या करते हुए लेंथ को नेगेटिव कैसे लिखते हो रे, अरे तो स्कूल में पढ़ाया गया, लेंथ कैसे नेगेटिव हो जाता है तुम्हारा, लिख दे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, लिख दे तो बेस इज इक्वल टू माइनस टू, अबे लेंथ कब से नेगेटिव होने लगा, एक नेगेटिव लेंथ निकाल के देखा, माइनस वन सेंटीमीटर ड्रॉ करके लिखाओ, कौन नेगेटिव लेंथ निकालता है रे, लिखते हो माइनस वन, लेंथ लिखते हो माइनस वन, ये बस हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं बस हमें इसका वैल्यू डायरेक्टली मिलने के लिए, लिखते हो ने लेंथ माइनस वन, वो प्लस जो मन जो मर्जी आए लिख रहे हो। तो बेटे ये परपेंडिकुलर क्या होगा, टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर का रूट ओवर, फोर माइनस वन थ्री का रूट ओवर रूट थ्री, तो ये हो गया रूट थ्री। बस अब आता है कमाल, हमें चाहिए साइन एक्स। तो बेटे देखो पहले तो एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है इस वजह से साइन एक्स नेगेटिव होगा, ये तो पहले डिसाइड कर लो, बस साइन एक्स। बेटा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को देख के साइन एक्स निकालेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को देख के साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली पी बाई एच, पी इज रूट थ्री, एच टू, बट साइन एक्स नेगेटिव दे रखा है तो आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अरे गेट इट, हाँ इधर yes, इधर सिंपली स्कूल के तरह राय के छोटा सा एक्यूट एंगल है, सिंपली परपेंडिकुलर बेस बेस हाइपरटेन्यूज, इसको नेगेटिव कभी मत लिखना है इसको प्रॉप में, ये गलत हो जाता है, ओके फाइनली साइन एक्स। उसी तरह अगर मुझे कॉस एक्स, अगर मुझे टैन पूछता, आप क्या करते फॉर्मूला अगर लगाते तो सेक एक्स के टैन एक्स का फॉर्मूला लगा निकाल दे, लेकिन मैं डायरेक्ट निकालूंगा, टैन एक्स होता है पी बाई बी, पी क्या है बेटे रूट थ्री, बी क्या है वन से रूट थ्री, और बेटे एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन एक्स पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो आंसर इज रूट थ्री टैन एक्स। आई होप यू गॉट इट, टेक द स्क्रीनशॉट। बेटे होगा गलती है आगे, हेलो सर, ओके लेट मी सर, लेट मी रेज इट, ओके ओके
नेक्स्ट आते हैं, दे रखा है कि sec माइनस 19 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना। पहले तो मैं आपको बोला था कि जो माइनस है एंगल का वो होता है गले का हड्डी, गले का हड्डी पहले उसको पानी पी के नीचे उतार दो, पहले माइनस को नीचे उतार, ये माइनस गड़बड़ करेगा। तो सिंपली मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था इवन ऑड फंक्शन का, क्या बताया था कि sec एंड cos ये दोनों क्या करते हैं, मैजिक करते हैं, गायब कर देते हैं। हाँ, माइनस थीटा का कॉस जो है, याद रखो बेटे, सपोज थीटा एक एंगल है, सपोज थीटा एक एंगल है, उसके आगे जब माइनस लगाते हैं तो ये एक नेगेटिव एंगल बन जाता है। नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज वाला एंगल, क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं ना तो नेगेटिव एंगल क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर से, ये आपका जो अगर इनिशियल साइड है, तो इनिशियल साइड से अगर आप क्लॉकवाइज घूम के आकर पहुँचते हो टर्मिनल साइड पर, तो जो एंगल घूमे हो उसका मैग्नीट्यूड सपोज 30 डिग्री है, लेकिन क्लॉकवाइज, सॉरी इधर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस 30 डिग्री मतलब खाली 30 डिग्री। लेकिन सपोज मैं क्लॉकवाइज घूम के आता हूँ, ये क्लॉकवाइज जैसे घूम के आया हूँ, सो मैग्नीट्यूड 30 डिग्री है लेकिन डिरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसीलिए माइनस। तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन के वजह से जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। अब बेटा नेगेटिव एंगल का कॉस निकालना जो है, सिंपली वो माइनस को गायब कर दो, खाली थीटा का कॉस भी वही, सेक का भी वही। यस सर। लेकिन बाकी जो चार बचे उनका माइनस साइन बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा का साइन जो है दैट इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर कर दो, माइनस साइन थीटा, मतलब थीटा का साइन निकाल के आगे माइनस लगाओ, दैट इज द सेम एज माइनस थीटा का साइन निकालना। आई होप यू गॉट इट, ओके पढ़ा देता हूँ, चलो आगे चलते। तो बड़े सिंपली दिस इज इक्वल टू सेक 19 पाई बाई 3, बिकॉज वाई, ये रूल के हिसाब से सेक माइनस थीटा इज इक्वल सेक 19 पाई बाई 3 को स्प्लिट करना है, बड़ा सा एंगल है स्प्लिट करना है। तो रॉफ में क्या करके देखो, 19 पाई बाई 3 में जाना पहचान एंगल क्या है बेटे, पाई बाई 3 जाना पहचान एंगल है, जो इसके बाद रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे सीधा सीधा मीटिंग से निकालूंगा, सीधा मीटिंग से निकालूंगा, एक हफ्ते के लिए एब्सेंट डाल दूंगा, रेस्पॉन्ड करो। यस सर, बोलिए सर। यस सर। यस सर। बस यस सर। 19 पाई बाई 3 में जाना पहचान एंगल कौन है बेटे, पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 ऐड करके देखो, सबट्रैक्ट करके देखो, इसी से देखो ऐड करने से क्या होता है, 20 पाई बाई 3 फालतू सा एंगल, लेकिन सबट्रैक्ट करके देखो क्या होता है, 18 पाई बाई 3, 18 पाई बाई 3 क्या होता है, 6 पाई, हाँ इंटीजर इनटू पाई, राइट, इसका हम कुछ कर सकते हैं। तो सिंपली 19 पाई बाई 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट। बस अब देखो बेटे, अभी बोला था अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो साइन टैन कॉस सेक कॉट कॉसेक सबका सबका इवन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू द सेम। फॉर एग्जांपल सेक 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, वहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरा तरह दूसरा बात है कि एक्स एक्सिस होता है इसलिए चेंज नहीं होता है। तो सेक इधर दे रखा है आपको 2n पाई, देखो ये 2n पाई, बस 2n पाई प्लस थीटा, यह होगा सेक थीटा, तो सेक पाई बाई 3, पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री मतलब कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री खाली 2 होगा। वरना आप इधर आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेंट मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्वाड्रेंट मेथड कैसे अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल आपको निकालना है सेक 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब बेटा देखो 6 पाई इधर होता है, 6 पाई इधर होता है, क्योंकि इवन पाई होता है, इधर होता है 6 पाई, 6 पाई प्लस करोगे मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में जाके पहुंच जाते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव। अभी 6 पाई क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर नो चेंज, तो सेक सेक होकर रहेगा, फिर पाई बाई 3, तो ही आया ना सेक पाई बाई 3। यस सर। यस सर। ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट, ये वाला इजी लग रहा है। हां यस, क्वार्टर मेथड तो इजी होता है, टेक इट टेक इट, एक सेकंड। यस, ये वाला कर सकते हैं। अरे सब कर सकते हो, मैं फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये लगा तो मतलब ये अच्छा है वो, ना ना सब कर सकते हो। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ कर सकते हो, जो मैं पढ़ा ले रहा हूँ उसको एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है आगे चलते हैं। बस चीज़ें सही होने चाहिए, कुछ गलत नहीं लिखना चाहिए, प्लस माइनस गलत नहीं करना चाहिए, कुछ
इधर उधर के नहीं। ओके आगे चलते हैं। सवाल दे रखा है कि सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है और इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाया करूंगा। बोला है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा इज एक्यूट एंगल बेटे, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल दे रखा है, एक्यूट एंगल मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, राइट? मतलब थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो इससे पता चल जाता है कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन टैन कॉस सेक कॉट कॉसेक सब पॉजिटिव होगा, राइट? ऑल पॉजिटिव, राइट? ओके यस सर। तो सवाल में आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4-3 कॉट थीटा डिवाइड बाई 3+4 टैन थीटा। अब इधर आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा आपको कॉट थीटा एंड टैन थीटा का वैल्यू निकालना है और इधर पुट करना है। कॉट थीटा टैन थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है? आपको सेक थीटा दे रखा है, उससे आप डायरेक्ट टैन थीटा निकालो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना के निकालो, इट इज अप टू यू, एंटायरली अप टू यू। तो मैं पहले फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ। अब सबको पता है कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड है, एक सेकेंड है। हाँ एक सेकेंड। तो टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इस हिसाब से सेक थीटा क्या दे रखा है बेटे? 13/5 उसका स्क्वायर क्या होगा? 169/25 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा? 144/25 मतलब 144/25। अभी देखो ये टैन थीटा का दो पॉसिबल वैल्यू है, एक है 12/5, दूसरा है -12/5। लेकिन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए उसका टैन पॉजिटिव निकलेगा, तो दोनों में से कौन जो आंसर जो पॉजिटिव होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो टैन थीटा क्या होगा? 12/5। क्या होगा? 12/5, गेट इट? अगर टैन थीटा 12/5 है, कॉट थीटा कितना होगा? 5/12। बस इधर आप डालोगे, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल बना के करोगे। उसने आपको दे रखा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। और बेटा दे रखा है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए उसका सारे पॉजिटिव होंगे। अभी सेक थीटा होता है एच बाई बी, तो एच इज 13 एंड बी इज 5, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको बताया ना, 5 12 13, तो परपेंडिकुलर 12 होगा, काम खत्म। तो टैन थीटा कितना होगा? पी बाई बी, मतलब पी बाई बी 12/5। फिर देखो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए टैन पॉजिटिव होगा, तो आगे प्लस या फिर कुछ भी नहीं, तो आंसर इज व्हाट? 12/3। अरे गेट इट? तो उसी हिसाब से कॉल सर, यस सर। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, डन, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं दो बार गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ठीक है सर। ओके आगे चलते हैं, नंबर 2 और 3। ओके खाली वैल्यू डालोगे आंसर निकलेगा, ठीक है? लेट मी इरेज इट। यस सर, यस सर। ओके यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन रखा है कि cos 50 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री। अब ये सीधा साधा cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी लिखा है, जिसका फॉर्मूला होता है cos ए प्लस बी। अरे होता है कि नहीं रे? cos ए प्लस बी, यस सर, यस सर। तो सीधा क्या हो गया? cos 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। बेटे जो इसको और कुछ लिखोगे एनुअल मतलब एग्जाम में आगे ऑफलाइन में, पूरा जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हो? कॉस 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री ऐसे लिख के छोड़ के आते हो? अरे ये क्या? अरे ब्रैकेट कौन देगा? ब्रैकेट दो, ब्रैकेट नहीं दोगे तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? कि कॉस 50 डिग्री फिर जो वैल्यू निकला उसमें 10 डिग्री, तो ये तो फालतू का चीज़ हो गया। ये तो कुछ इसका कोई मतलब नहीं होता है, किसी में 10 डिग्री ऐड करना कोई वैल्यू में,
ये तो गलत हो गया, ब्रैकेट दोगे, गेट इट। आगे चलते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके लेट मी रेज इट। यस सर। ओके ओके। दूसरा बेटा बोला है कि टैन 15 डिग्री, अभी देखो टैन 15 डिग्री निकालने के लिए आपके पास बहुत तरीका है। एक इजी तरीका है, टैन 15 डिग्री को आप लिख सकते हो टैन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। या फिर आप अगर चाहो तो टैन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हो, आपका मर्जी। तो जो भी लिखो, जैसे भी लिखो, सही आंसर आएगा। तो इधर आप अगर करते हो ऐसा, तो इधर आप क्या लगाओगे, टैन ए माइनस बी फॉर्मूला। और भाई टैन ए माइनस बी क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। यस तो इधर ए 45 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, तो टैन ए माइनस टैन बी टैन 45 डिग्री माइनस टैन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई वन प्लस टैन 45 डिग्री इंटू टैन 30 डिग्री। टैन 45 डिग्री होता है वन बाय, सॉरी वन, वन टैन 30 होता है वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री वन प्लस टैन 45 डिग्री होता है वन इंटू टैन 30 वन बाय रूट थ्री। रूट थ्री ऊपर एलसीएम ले जाओ तो हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, नीचे रूट थ्री रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कटेगा, सिंपली आएगा रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन, फाइनल आंसर। ओके इतना ही ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन। दूसरा दूसरा, यू ऑल्सो हैव अनदर चॉइस, यू ऑल्सो हैव अनदर चॉइस, व्हाट इज इट, कि आप 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके भी निकाल सकते हो। तीसरा आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, टैन 45 डिग्री माइनस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला वन माइनस टैन थीटा बाय वन प्लस टैन थीटा, टैन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टैन थीटा बाय वन माइनस टैन थीटा। अरे पढ़ाया था, याद करो बेटे, पी जाओ गोल बाटे के पी जाओ बेटे। अगर दोस्त, मैं आपको बोला हूँ, पढ़ाई में अगर खिलाफत करोगे यू हैव नो आइडिया आपके आपको क्या मतलब भुगतना पड़ेगा दो साल। तो बेहतर होगा मैं जैसे बोल रहा हूँ कि पहले फॉर्मूला तो को पी जाओ, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। सर पानी हो जाएगा सर, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, डन। आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सर, हाँ यस सर, मैं बोल रहा हूँ अगर हम ज्यादा पढ़ लेंगे सर, अगर वो पानी हो जाएगा फिर बो जाएगा सर। नहीं 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 बो जाएगा। देर गए कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जैसे भी क्वेश्चन है, इनफैक्ट अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, वैल्यू पता है डायरेक्ट कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री का, डालो आंसर निकल जाएगा। बेटा कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, टू रूट टू रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। और बेटे साइन 15 डिग्री वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, डायरेक्ट वैल्यू एलसीएम ले जाओ टू रूट टू, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट थ्री। बेटे ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर एक माइनस है, बस रूट थ्री माइनस कैंसल, टू बाई टू रूट टू, टू टू कट गया तो वन बाई रूट टू। अरे गेट इट। हाँ यस सर। ओके कितनों को समझ में नहीं आया बताओ, सबको आया? ओके दूसरा, यस उसने देखा है कॉस 15 डिग्री माइनस व्हाट साइन 15 डिग्री। बहुत तरीके से इसको दूसरे दूसरे तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो। एक क्या है बेटे, आप सिंपली आपको पता है कि कॉस 15 डिग्री जो होता है साइन 75 डिग्री भी वही होता है, बिकॉज कॉस 15 डिग्री का मतलब क्या होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, 90 डिग्री से 75 डिग्री माइनस करो 15 डिग्री। अभी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, ये हो गया साइन 75 डिग्री बस। अब इधर आप साइन सी माइनस साइन डी भी लगा सकते हो, साइन सी माइनस साइन डी। बेटे साइन सी माइनस साइन डी क्या कहलाता है, फॉर्मूला क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, राइट। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, 75 प्लस 15 बाई टू इन टू साइन सी माइनस डी बाई टू, 75 माइनस 15 बाई टू। सर अरे समझ में आ रहा है, डिग्री दिला मत भूलना बेटा, डिग्री डिग्री दो। हाँ तो टू कॉस बट ये हो गया 90, 90 बाई दो कितना 45 साइन,
ये बेटा क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, 60 60 बाई 2 30, अरे समझ रहे हो, 30 डिग्री। तो बेटा साइन 30 डिग्री होता है 1 बाई 2, कॉस 40 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2, तो 2 × 1 बाई रूट 2 इंटू ये 1 बाई 2, तो 2 2 कट गया, आंसर आया 1 बाई रूट 2। अरे गेट इट और नॉट, हेलो। यस सर। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इसको कॉस 15 डिग्री रख के इसको क्या कर सकते हो, कॉस 75 डिग्री कर सकते हो, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओगे। अरे गॉट इट। ओके सर। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड, टेक इट, बस बस ओके। दूसरा दूसरा अगर कुछ दिमाग में नहीं आया, कुछ दिमाग में नहीं आया, ब्लैंक हो गया दिमाग, पूरा सुन्न हो गया दिमाग, पूरा मतलब सुन्न हो गया, नहीं होना चाहिए, अगर सुन्न हो गया तो क्या करोगे, सीधा कॉस 15 डिग्री का वैल्यू जैसे आप ट्रेडिशनल निकालते थे, कैसे कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर अरे गेट इट, उसे इसका भी इधर आप कॉस सी कॉस ए माइनस बी का फॉर्म लगाओगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्म लगाओगे, निकाल के बस काट कूट करके वही आएगा। लेकिन बात मेरा मानो बेटा, फॉर्मूला पढ़ाई कर लो, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। ओके हेलो एवरीबॉडी, अरे सराफत खान बेटा तू है ना लाइन में, हेलो हेलो सराफत खान, आर यू देयर, अरे देख रहे हो ये सराफत खान है कि नहीं, सोहन देख रहे लाइन में, जरा देख सराफत खान रिटर्न है कि नहीं लाइन में। कैसे है सर? वो है तो बोल, सर है सराफत खान, बोल क्यों कुछ नहीं रहा है। और ये लड़का है कौन होता है, वो कौन था उसका नाम, अभिषेक, अभिषेक है कि नहीं देखो जरा। हेलो सर, मैं हूँ सर। ओके 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 ओए, तो इस बेटा इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट कैसे बेटे, मैंने अभी बोला था आपको कि वन की टैन टैन 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टैन थीटा बाई वन माइनस टैन थीटा, याद रहेगा। इसमें कितना डिफिकल्टी है, अगर इधर प्लस लिखा है ना, अगर इधर प्लस तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर मैं टेन 48 डिग्री माइनस थीटा बोलूँगा तो इधर माइनस लिखा है ना, तो ऊपर वन माइनस टेन थीटा भाई, नीचे वन प्लस टेन थीटा, अरे गेट इट, बस काम। तो ये ज़रा देखो, वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा दिखा है, तो सिंपली क्या होगा, टेन 45 डिग्री प्लस थीटा, अरे समझ रहे हो, हेलो यस सर। हाँ मतलब थीटा क्या है बेटा, 15 डिग्री, हाँ टेन 48 डिग्री प्लस 15 डिग्री, अभी 45 डिग्री 15 डिग्री ऐड करो तो कितना होता है 60 डिग्री, तो यह टेन 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री टेन कितना होता है रूट थ्री, काम करो, अरे गेट इट, यस सर डायरेक्ट, यस सर एज सिंपल एज दैट डायरेक्ट। ओके बस नहीं तो सोचने में लगोगे, सपोज वन वन प्लस टेन 15 डिग्री दे रखा है भाई, वन माइनस टेन 15 डिग्री, तो सोचते रहो मैं ये वन को लिखूंगा टेन 45 डिग्री भाई वन माइनस, बट टेन 15 डिग्री मतलब क्या होता है कि वन इंटू टेन 15 डिग्री भी वही टेन 15 डिग्री है कि नहीं, वन इंटू टेन 15, और वन क्या होता है टेन 45 डिग्री होता है, टेन 45 डिग्री इंटू टेन 15 डिग्री, देखो जो अलग लिखा है क्या, पूरा सेम टू सेम मेरा, बस फिर ये किसका फॉर्मूला है, टेन 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री का फॉर्मूला है, नहीं इतना लंबा चुड़ा करके क्यों लिखना, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं याद करोगे, गेट इट। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, डन, चलो चलो लो 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 डन, आगे चले। यस सर। यस सर। ओके ओके लेट मी रेज इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटे कि 3 sin 20 डिग्री माइनस 4 sin³ 20 डिग्री, अब जो फॉर्मूला याद नहीं रखे होगे ये गया बेटे, ये सीधा साधा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 3 sin θ माइनस 4 sin³ θ,
बेटे आपको आप कितनों आप स्कूल में मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए मार खाए हो? स्कूल में मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए कितनों ने मार खाए हो? हेलो, मल्टीप्लिकेशन टेबल वो के लिए तो कितनों? जूनियर क्लास में है। हाँ वही वही जूनियर क्लास में, क्लास 3-4 में कितनों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए मार खाए हो बेटे बताओ? खाए हो कि नहीं? बहुत सारे खाए होगे, कोई कोई खाए होगे यस मल्टीप्लिकेशन टेबल के? सर, हाँ यस सर, बस 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 यस बस, वो जो जूनियर क्लास का मल्टीप्लिकेशन टेबल था वो 11th 12th क्लास में फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के फॉर्मूले। अभी जो ऑफलाइन क्लास होगा वन बाय वन में, जिसको मेरा मर्जी सरप्राइजिंगली पूछूंगा खड़ा करके, अगर नहीं कब नहीं बोल पाओगे फॉर्मूला, यू हैव नो आइडिया, याद रख लो बेटे, अभी से याद रख लो। घर में हो, 2 माह 2 महीना है आपके पास, December 31st तक बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई आपको रोकने टोकने के लिए नहीं है। 2 महीना 1 घंटे में फॉर्मूला याद रहेगा, 2 महीना में महीना है आपके पास, 1 घंटे में याद रखो, 2 घंटा इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करो, आपका एंटायर ट्रिगोनोमेट्री 3-4 दिन में खत्म, रिवीजन खत्म। अगर वो अगर अच्छा अपना भलाई चाहते हो करो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा जब स्कूल खुलेगा। तो 2 महीना का फायदा उठाओ, फायदा उठाओ कि नहीं बेटे? यस सर, ओके। श्योर सर, यस सर, श्योर सर, ओके। तो बेटे क्या रखा है, 3 sin θ - 4 sin 3 θ, तो बस इधर देखो थीटा का जगह 20 डिग्री लिखा है, 3 sin 20 डिग्री - 4 sin³ 20 डिग्री, तो क्या होगा, sin 3 × 20 डिग्री, 3 θ ना, 3 θ मतलब sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। टेक दो स्क्रीनशॉट, डन, ओके, लेट मी रेज इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना था। उसने देखा है कि 0 डिग्री इज लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस काम खत्म। इसका मतलब है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका कोई मतलब और कोई भयंकर मतलब नहीं है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स इट। उसने आपको sin 2 θ का वैल्यू दे रखा है कि 1/5, और पूछ रखा है कि sin θ + cos θ का वैल्यू निकालो, ठीक है? मैं बेटे जैसे इधर बताऊंगा, ये ना ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता नहीं, यही क्वेश्चन सिंपल, यही क्वेश्चन बहुत जगह काम आएंगे, इनफैक्ट आपके लाइफ में बहुत जगह इसी के रिलेटेड सवाल आएंगे, कि sin 2 θ दे रखा है, sin θ + cos θ, sin θ - cos θ, ऐसी चीजें पूछेगा। तो बेटे देखो बहुत इजी है बेटे, आप सबको पता है कि sin θ + cos θ का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। sin θ + cos θ का अगर होल स्क्वायर निकाले, a + b का होल स्क्वायर लगाएगा, तो क्या होगा, sin²θ + cos²θ + 2 sin θ × cos θ, राइट? लेकिन sin²θ + cos²θ = 1 + 2 sin θ × cos θ = sin²θ। तो मैंने आपको आपको क्लास नोट में चेक करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया हूँ, sin θ + cos θ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + sin²θ, एंड sin θ - cos θ का होल स्क्वायर 1 - sin²θ। फॉर्मूला डायरेक्ट बेटे आज लिख के जो रहे हो इसको प्रैक्टिस करो, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला फिर से रिवाइज हो गए। अरे गेट इट, एंड हो गया, ओके। अब बेटे देखो आपको निकालना है sin θ + cos θ का वैल्यू, तो क्यों ना मैं पहले sin θ + cos θ का होल स्क्वायर निकाल दूं, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो sin θ + cos θ का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 + sin²θ। अब बेटे sin²θ का वैल्यू दे रखा है उसने आपको कि 1/5, तो ऐड करने से क्या हो जाता है बेटे, 6/5। अच्छा अब बेटा बात यह आता है, किसी चीज का स्क्वायर मतलब sin θ + cos θ का स्क्वायर अगर 6/5 है, तो इसका दो पॉसिबल वैल्यूज आते हैं। किसी चीज का स्क्वायर अगर 6/5 है तो वो चीज क्या क्या हो सकता है, 6 - √(6/5) या फिर +√(6/5), क्योंकि जब दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो 6/5 आएगा। अरे गेट इट, यस सर, यस सर। लेकिन देखो बेटे उसने दे रखा है कि आपको थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जरा दिमाग लगाओ।
थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा के पॉजिटिव नंबर होगा राइट, बिकॉज थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव ना, ऑल ट्रिगनोमेट पॉजिटिव। अच्छा दो पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करेगा वो भी तो पॉजिटिव होगा, अरे दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेगा वो भी तो पॉजिटिव होगा ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? हेलो हेलो हाँ, तो इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा और कौन सा गलत आंसर होगा? ये आपका सही आंसर और ये आपका गलत आंसर, बिकॉज थीटा उसने दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये मेथड हमने लगाएंगे। अरे गेट इट, तो फाइनली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर ऑफ 6/5, गेट इट? आज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट 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 यस टेक इट डन, जल्दी जल्दी बेटे जल्दी बेटे, डन, आगे चलते हैं। यस सर, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। बेटे उसने बोला है कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू कॉस 179 डिग्री इंटू 180 डिग्री, या फिर क्या रखा है? यस 178 डिग्री इंटू 179 डिग्री। अब देखो ये सवाल इतना आसान है कि इसमें आपको कुछ मतलब सोचना नहीं बेटे। देखो ये पूरा सीरियली जा रहे हैं, कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री कॉस 4 डिग्री। अच्छा बीच में कॉस 90 डिग्री आया होगा राइट, बीच में कहीं पर कॉस 90 डिग्री भी तो आया होगा, सीरियली जा रहे हैं, फिर उसके बाद कॉस 100 डिग्री फिर कॉस 101 डिग्री। अरे अरे समझ रहे हो? यस सर, यस सर। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, तो ये जो भी हो आई डोंट केयर, व्हाट एवर, एनीथिंग इनटू एनीथिंग इनटू एनीथिंग इनटू जीरो इनटू एनीथिंग इनटू एनीथिंग इनटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो होगा राइट। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, यस सर, टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट डन, यस सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आई टू दी पावर 91। अच्छा मैंने बोला था क्या करोगे, पहले जो आई का जो पावर है उसको 4 इंटू ऐसे 4m प्लस r फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, 4m प्लस r फॉर्म में 91 को एक्सप्रेस करोगे, और उसको कैसे करना है आपको, 91 को 4 से डिवाइड करना है, भाग कर देना है। 91 को अगर 4 से भाग करोगे तो क्या होगा, 4 जा 2 8 1 4 जा 2 8, अरे समझ रहे हो? तो क्या होता है 22, एक्सेट्रा, तो ये हो गया आई टू दी पावर 91 के जगह हम लिखेंगे 4 इंटू 22 प्लस 3, करेक्ट? यस सर। तो फॉर्मूला आई टू दी पावर 4m प्लस r इज इक्वल टू आई टू दी पावर r, सीधा आई टू दी पावर 4m प्लस r, 4m प्लस r इज इक्वल टू आई टू दी पावर r, मतलब आई टू दी पावर 3, और आई टू दी पावर 3 क्या होता है, माइनस आई, राइट? टेक द स्क्रीनशॉट, डन, जल्दी, यस सर, ओके आगे चले, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, बेटा उसने बोला है रूट ओवर ऑफ माइनस 9 इंटू रूट ओवर ऑफ माइनस 25। अब देखो बेटे मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ बेटे, हमने आपको बोल रखे थे कि बेटे दोनों स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो तो दिस इज नॉट इक्वल टू एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज नॉट इक्वल टू दैट। दोनों के अंदर अगर नेगेटिव हो तो इस इज नॉट पॉसिबल। अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, या फिर एक जीरो एक पॉजिटिव, या फिर एक जीरो एक नेगेटिव, चलेगा, लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। अगर हुए तो ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि रूट ओवर माइनस 9 इंटू माइनस 25। अरे समझ रहे हो, ये गलत है, कितनों को नहीं समझ में आया? ओके अब इसको करने के लिए आपके पास दो रास्ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कैसे बेटे? माइनस 9 का रूट ओवर, बेटे 9 का रूट ओवर 3 होता है और माइनस का रूट ओवर आई, 25 का रूट ओवर 5 होता है और माइनस का रूट ओवर आई, तो बेटे 3 इंटू आई 15, आई इंटू आई आई स्क्वायर, 15 आई, आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो 15 इंटू माइनस 1 तो कितना होगा, माइनस 15। अरे समझ गए? यस सर, हाँ ओके, कितनों को समझ में नहीं आया बताओ, सबको आया? यस सर, ओके। दूसरा क्या है बेटे, दूसरा क्या है बताया था मैंने कि माइन, अगर ऐसा अगर सिचुएशन है ने माइनस ने, मतलब रूट ओवर के नीचे नेगेटिव इनटू नेगेटिव दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आगे बस एक माइनस लगा दो फिर अंदर ही दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
बस काम खत्म, अगर दोनों नेगेटिव है तो। तो इधर आपको माइनस 25 का रूट ओवर इंटू माइनस 9 का रूट ओवर रखा है, तो सिंपली एक माइनस खाली आगे रखाओ और अंदर ये माइनस 25 माइनस 9 को मल्टीप्लाई कर दो। और बेटा माइनस 25 माइनस 9 को जो मल्टीप्लाई करोगे सिंपली माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई होकर बस 25 इंटू 9 का स्क्वायर रूट जो कि 15 होता है, माइनस 15। अरे गेट इट? यस सर। यस सर, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, जल्दी डन। ओके यस सर। ओके बेटा, उसके बाद का मैं नहीं करूँगा, मल्टीप्लीकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कर दोगे, खुद पता है आपको, कर दिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, उसने देखा आई टू दी पार एन प्लस आई टू दी पार एन प्लस वन प्लस आई टू दी पार एन प्लस टू प्लस आई टू दी पार एन प्लस थ्री जीरो, राइट? मैंने आपको बोला था कि आई का पावर अगर चार कॉन्जिक्यूटिव रियल चार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऐड किया गया, चार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, सपोज आई का पावर 100 प्लस आई का पावर 101 प्लस आई का पावर 102 प्लस आई का पावर 103, चार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, चार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर आई का पावर ऐड हुआ है तो आंसर जीरो। तो कैसा हुआ ये तो मैंने डिराइव भी करके बता दिया था कि बेटा देखो आई टू दी पार एन प्लस, बेटा आई टू दी पार एन प्लस वन का क्या मतलब होता है, आई टू दी पार एन इंटू आई, आई टू दी पार एन प्लस टू का क्या मतलब होता है, आई टू दी पार एन इंटू आई का स्क्वायर, आई टू एन प्लस थ्री का क्या मतलब होता है, आई टू दी पार एन इंटू आई टू थ्री। अरे समझ रहे हो? हेलो हेलो, बस बस। तो बेटा सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, आई टू दी पार एन कॉमन ले सकते हैं, लेने के बाद क्या बचेगा, इधर वन प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अब आई टू दी पार एन इंटू वन प्लस आई, बट आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, राइट? आई माइनस आई, वन माइनस वन कट गया, जीरो। गेट इट? जीरो। ओके वेरी गुड, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, जल्दी लेके लास्ट क्वेश्चन। ओके देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इतना सरल सवाल है कि आप इसको अगर मतलब पूरा मतलब मॉडुलस निकाले होगे तो मतलब टाइम आपका गया होगा, इतना सरल सवाल है जो आप ऐसे कर दियो, वेरी गुड जो डायरेक्ट किया हो। ये पूछा है बेटा, आप अगर ऑब्जर्व करो तो सर कुछ जानबूझ के ऊपर नीचे कॉन्जुगेट दिए होंगे ना, कुछ जानबूझ कर ऊपर का कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे का कॉन्जुगेट दे रखे हैं, मतलब ऊपर दोनों ने एक दूसरे का कॉन्जुगेट और मॉडुलस दे रखे हैं, मैं जानबूझ कर दिया था बेटा। सिंपली देखो, हमें पता है कि जेड वन बाई जेड टू का मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, जेड वन का मॉडुलस बाई जेड टू का मॉडुलस, तो वन माइनस आई का मॉडुलस बाई वन प्लस आई का मॉडुलस। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होते हैं, इनफैक्ट माइनस जेड का मॉडुलस भी वही होता है, माइनस जेड कॉन्जुगेट, चारों का मॉडुलस सेम होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट उसका एडिटिव इनवर्स उसका कॉन्जुगेट का एडिटिव इनवर्स सबका मॉडुलस एक होता है। तो जाहिर सी बात है ये वन माइनस आई वन प्लस आई एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो दोनों का मॉडुलस सेम होंगे, तो कट के वन हो जाएगा। गेट इट? क्लियर? वन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके आगे चलते हैं। यस सर। दूसरा पूछा था जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, जेड का मॉड का स्क्वायर, राइट? अरे देखो अगर जेड का जगह हम ले जाते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अभी बेटा देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो डायरेक्ट याद रखो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इजिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, काम खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट, स्क्वायर ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? स्क्वायर करके स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करके स्क्वायर दोगे वही मिल जाएगा ना, अरे गेट इट? एंड दिस इज व्हाट मॉड ऑफ जेड, अरे दिस इज मॉड ऑफ जेड और नॉट, उसका स्क्वायर। यस सर, यस सर, उसका स्क्वायर। यस सर, बस। सो दिस मच, सोहन टेक द अटेंडेंस, वन सेकंड।